अपन को 4n greater than 3 ये पूछा है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई में ncr minus 2 मल्टीप्लाई में 3 ncr minus 1 up to minus 1 raised to power r r+n मल्टीप्लाई में r+2 की वैल्यू कितनी होगी, ये अपन को पूछा है यहाँ पर। तो ये बनाने के लिए अपन यहाँ पर दो चीज देखेंगे कि अपन इस चीज को कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले ये देखते हैं कि 1 plus x raised to power n का एक्सपेंशन तुम्हें पता है ये होता है nc0 nc1x plus nc2x square up to ncn x raised to power n, इस तरीके से होता है। दूसरी चीज जो अपन यहाँ पे लेंगे वो ये लेंगे 1 plus x की power -3। इसका अगर तुम देखोगे तो इसको एक्सपेंड इस तरीके से करता है 1 minus 3c1x plus यहाँ पर इसकी एक पावर बढ़ेगी, इसका मतलब इस ये एक से बढ़ेगा, ये एक से बढ़ेगा एंड यहाँ पे x2। फिर जो नेक्स्ट आएगा वो यहाँ पर माइनस का 5c3x3 इस तरीके से आएगा। तो ऐसे ही चलता जाता है और इसकी जनरल टर्म इस टाइप की आएगी -1 raised to power r-1 r+1 cr-1 एंड x raised to power r-1, इस तरीके से आएगा तुम्हारे पास ये जनरल टर्म। सो अब तुम क्या करो, ये इनफाइनाइट तक जाएगा ऐसे, और अब तुम इन दोनों सीरीज को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 plus x की power n-3, और इधर अगर तुम देखोगे ये हो जाएगा अपने पास nc0 nc1x up to ncn x power n मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1 minus 3c1x प्लस 4c2x स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, ऐसे जाएगा। और दोनों तरफ एक्स की पावर आर का कोफिशियंट अगर तुम लोगे यहाँ से तो n-3 cr x raised to power r इस टाइप का आ जाएगा। और इधर किस तरीके का बनेगा, तो यहाँ पर 1 है तो इधर अपन को x raised to power r लाने के लिए ncr लाना पड़ेगा इस तरफ से, और इधर अब देखेंगे तो एक्स की पावर यहाँ पे 1 है सो इधर क्या आएगा -3c1 या ncr-1 आ जाएगा, प्लस इधर देखेंगे तो यहाँ पे 4c2 है यहाँ पर अपने पास। तो इधर से अगर 4c2 लिया तो इधर से ncr-2 लेना पड़ेगा, इस तरीके से आ रहा है और वैसे ही ये चलता जाएगा। और लास्ट में अपन को क्या करना है, इधर से x raised to power r का कोफिशिएंट लेना है और इधर से ये 1 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसमें x raised to power r का क्या आएगा, तो जनरल टर्म मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखी थी। सो यहाँ पर ये x raised to power r-1 है, सो अगर मैं r-1 को r से रिप्लेस कर दूँ सो इस टाइप से आ जाएगा मेरे पास, तो ये x raised to power r का कोफिशियंट मेरे पास इसमें से आ गया। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस, तो ये टोटल ये राइट हैंड साइड में जो x raised to power r का कोफिशियंट आ रहा है वो ये आ रहा है। तो अब अगर अपन दोनों को कंपेयर करें सो अपने पास क्या आएगा, ncr-3c1 ncr-1 plus 4c2 ncr-2 up to plus minus 1 raised to power r r plus 2 cr nc0 is equal to, ये अपने पास किसके इक्वल आ गया n-3 cr। सो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो जैसे यहाँ 4c2 इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड में 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 1। नेक्स्ट जो तुम्हारे पास आएगा इधर से वैसे ही कंपेयर कर सकते हो, तो नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हारे पास जैसे यहाँ पे 5c3 आ रहा है, सो 5c3 को तुम 5c2 भी लिख सकते हो, उसे 5 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 1 आएगा। वैसे ही नेक्स्ट जो आएगा वो 64 से रिलेटेड कुछ आएगा जिसको अगेन तुम 62 लिख सकते हो, यानी 6 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 1। तो वैसे ही यहाँ पर अगर तुम देखोगे सो इस पूरे को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ अब यहाँ पर, इसको तो ऐसे ही रहने देता है -3c1 ncr-1 4 मल्टीप्लाई में 3 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 1 ncr-2। नेक्स्ट आएगा -5 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 1 ncr-3, और वैसे ये लास्ट का भी देखोगे तो +1 raised to power r यहाँ पे r+2 and r+1 and divided 2 मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, इस तरीके से आ रहा है अपने पास। सो यहाँ पर अगर तुम नीचे से सब में से हाफ कॉमन ले लो तो क्या बचेगा,
ऊपर अगर अपन देखें तो 2 1 मल्टीप्लाई में 2 NCR माइनस 2 मल्टीप्लाई में 3 NCR माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 3 NCR माइनस 2 इस तरीके से -1 raise to power r, यहाँ पे r+2 and r+1 इस तरीके से आ रहा है। ये इधर अपने पास n-3 CR आया था, तो इसको अगर 2 को इधर ले जाए तो अपन को जो निकालना था सेम ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 times n-3 CR के इक्वल। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।